हेलो फ्रेंड्स, आई होप आई एम ऑडिबल। हाय। ओके, सो आई वांट, व्हाट इज दिस एफजीपी? ये एफजीपी है क्या? सो वी आर गोइंग टू लर्न नथिंग बट अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एफजीपी। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज एफजीपी? हाय। ओके, सो दिस वन इज अ सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन। वी हैव लर्न एपी, वी हैव सीन जीपी, वी हैव सीन एचपी, वी हैव सीन एजीपी। हमने एजीपी भी पढ़ा, दैट इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एएमजीएम कॉन्सेप्ट हर जगह यूज हो सकता है क्या? फॉर मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिस्टर पांडे, मैक्सिमा मिनिमा का एक कंडीशन होता है, अंडर दिस कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ दिस सीरीज आई टर्म्ड एज नथिंग बट, और वी टर्म्ड एज नथिंग बट एफ जी पी। ये एफ जी पी है। डिनोमेटर इज नथिंग बट जी पी। डिनोमेटर आपका एक टर्म इज द जी पी। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस टर्म? 1, 1, 2, 2, 3, 5, 8, ये कौन सा टर्म है? एंड आई वॉन्ट पार्टिसिपेशन, बस बैठ के देखते रहो, वो मजा नहीं आता है। ओके, सो वी हैव जी पी एंड वी हैव 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ये टर्म्स कौन सा है? वी कॉल्ड इट दिस वन इज अ फाइबोनाची सिक्वेंस। सो वी हैव अ फाइबोनाची सिक्वेंस प्लस जी पी इज टर्म्ड एज नथिंग बट एफ जी पी। तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ जी पी। इफ योर टर्म इज फाइबोनाची एंड दूसरा टर्म जी पी में होता है तो ये एफ जी पी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते क्या है, दिस इज इनफाइनाइट डॉट 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 डॉट। मनोज, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट है, नथिंग रिटर्न मीन्स यू आर गोइंग फॉर द इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट जा रहे हो, देयर इज नो नीड टू राइट। यही है। सो वी कैन से इफ वी हैव एन, तो दिस वन इज नथिंग बट 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब प्लस 3/3 4 प्लस 5/3 5। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, डैट वन इज इनफाइनाइट। अगर इफ दिस वन इज ए जी पी, हम लोग देखते क्या, अगर ये ए जी पी होता है तो वी फाइंड द कॉमन रेशियो। हम कॉमन रेशियो से एन में करते क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं एंड शिफ्ट करते हैं राइट को। दिस वन इज फॉर द ए जी पी, प्लीज रिमेंबर दिस वन इज फॉर द एजीपी। एजीपी में आप कॉमन रेशियो से एन को मल्टीप्लाई करते हो, शिफ्ट करते हो राइट हैंड साइड। बट फॉर द एफ जी पी वी डिवाइड बाई द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो 1/3 है, मतलब मैं कॉमन रेशियो से डिवाइड करता हूं और शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। प्लीज नोट इट डाउन, एजीपी में वी हैव द समेशन। समेशन को हम लोग कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं एंड शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड। इट मीन्स इफ दिस वन इज द एजीपी, अनु सिंह आपने जो बनाया था, मैं एन को 1/3 से लिखता और लेफ्ट हैंड साइड पे हल्का शिफ्ट करता और सब्ट्रैक्ट करता। इसमें नहीं होता है। इन द एफ जी पी वी मल्टीप्लाई, वी डिवाइड बाय द कॉमन रेशियो। एक्चुअली हम डिवाइड करते हैं कॉमन रेशियो से 1/3 3n, और मैं राइट शिफ्ट करता हूं 3n को। अगर आप राइट शिफ्ट करो तो दिखेगा 1, ये राइट शिफ्ट होगा 3 मल्टीप्लाई होकर दिखेगा 1/3। अगर ये राइट शिफ्ट होगा 3 मल्टीप्लाई होकर दिखेगा, दैट इज 2/3 स्क्वायर। दिस वन इज अ राइट शिफ्ट, दैट इज 3/3 क्यूब। दिस वन इज अ राइट शिफ्ट 5/3 4 एंड सो ऑन। यही होता है, यहां तक हम लोग रखते हैं। देन अगला हम लोग करते हैं फिर क्या, अगेन मैं इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं, दिस बिकम्स 9n। एंड प्लीज इसे याद रखिएगा, यू हैव अ टिपिकल एफ जी पी सीरीज। अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इसमें क्या कर रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और राइट शिफ्ट, दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स नथिंग बट 3, दिस बिकम्स नथिंग बट 1, दिस बिकम्स नथिंग बट 2/3, दिस बिकम्स नथिंग बट 3/3 स्क्वायर, दिस बिकम्स नथिंग बट 5/3 क्यूब एंड सो ऑन। एनी डाउट? वी आर डीलिंग विद द स्पेशल केस ऑफ एफ जी पी, जो बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। अगर आप गौर से देखो, इफ यू एड बोथ टर्म्स एन प्लस 3n, आपके पास 1 बचेगा जो कि यहां पे है। 1 + 1 इज नथिंग बट 2/3 जो यहां पे दिख रहा है, दैट इज 1/3 स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर इज नथिंग बट 3/3 स्क्वायर। सो ये जो पूरा टर्म है, दिस वन इज नथिंग बट 4n, ये आपका 4n होगा। n प्लस n अगर आप ऐड करोगे, दैट इज 1, दिस वन इज 1, 1/3 प्लस 1/3 इज 2/3, 1/3 स्क्वायर, 2/3 स्क्वायर इज 3/3 स्क्वायर, 2/3 क्यूब, 3/3 क्यूब इज 5/2 क्यूब। मीन्स वो फाइबोनाची सीक्वेंस क्रिएट करता है। तो वी कैन से 9n प्लस 3 प्लस 4n, यही है, मैं रीराइट कर रहा हूं, 9n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, सो 5n इज इक्वल टू 3, मुझको मिल गया, मुझको चाहिए था 5n इज इक्वल टू 3, 15n मुझको चाहिए,
मतलब मुझको 5 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दैट मीन्स 3 इंटू 5, दिस वन इज 3 इंटू 3, आंसर इज नथिंग बट 9. अगर आपको ऑनली एन निकालना है तो एन इज नथिंग बट 3/5 इज नथिंग बट 0.6. हरीश आपने सॉल्व किया था शायद 5.599 समथिंग, वो नहीं है. तो दिस वन इज द एफ जी पी. एफ जी पी इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए जी पी. ए जी पी में आप करते क्या हो, यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाई द कॉमन रेशियो, मल्टीप्लाई करते हो, राइट शिफ्ट करते हो एंड सब्ट्रैक्ट करते हो. यहां वो नहीं होता है, यहां आप कॉमन रेशियो को डिवाइड करते हो, मतलब 1/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हो एंड अगला फिर से उसे करते हो और राइट शिफ्ट करते जाते हो, लेफ्ट शिफ्ट एंड गेट द आंसर. एनी डाउट? अगर डाउट नहीं है तो आई एम गिविंग यू नथिंग बट 120 सेकेंड, आप मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए. और डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लिएगा. सो यू हैव दिस क्वेश्चन, वन ऑफ द फेमस, हाउ द फॉरेन, हाउ द फॉरेन. नाउ अनु सिंह, हाउ द फॉरेन, अगर आप देखना प्लीज, थोड़ा सा फेसबुक में लैग है तो मैं जनरली अवॉइड करूंगा आगे से. इफ वी एड एन प्लस 3n, अगर मैं ऐड करूं तो देखना ये 1 है, यहां भी 1 है, दिस इज 1/3 प्लस 1/3 इज नथिंग बट 2/3. मैंने ऐड किया 1/3 स्क्वायर, 2/3 स्क्वायर इज नथिंग बट 3/3 स्क्वायर, दिस वन इज 2/3 क्यूब, 3/3 क्यूब 5/3 क्यूब. मतलब ये जो टर्म है आपका, ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म को अगर आप छोड़ दो तो ये आपका 4n ही है. दिस वन इज 4n, नथिंग एल्स. एंड दिस वन इज टर्म्ड एज एफ जी पी. सीक्वेंस सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अनु ये क्लास आपके लिए लग रहा है बिकॉज यू सेट फॉर द पीजी डी बी ए. सो चांसेस ऑफ दिस क्वेश्चन शुड कम इन अ पीजी डी बी ए. अगर कैट एडवांस गया तो, अगर कैट एडवांस हुआ तभी यहां आएगा. और मुझको डाउट है कि कैट यहां तक पहुंचेगा. मिस्टर पांडे आई होप ये क्लियर है कि 4n हुआ कैसे. नहीं होगा तो पिंग मी ऑन अ फेसबुक, हम लोग देख लेंगे. तो अब कैसे हुआ नहीं हुआ इसको सॉल्व करो. एंड फॉर दिस आई एम गिविंग यू 120 सेकेंड. तो मुझको 120 सेकेंड का टाइमर लगा लेने दीजिए, तब तक आप लोग ट्राई करो. एंड इफ यू नोटिस वन थिंग, दिस वन इज 2 सेकेंड का क्वेश्चन हार्डली, ये बस 2 सेकेंड का क्वेश्चन है एफ जी पी. अराउंड 45 सेकेंड्स मोर. एंड आई वॉन्ट आप पेन एंड पेपर में कहीं पर अगर आप नोट्स करते हो तो इसे को नोट किया करो अंडर द हेड ऑफ एफ जी पी. फाइव बाई 44. रवेश रंजन थोड़ा गलत हो गया आपका. वी हैव लास्ट फ्यू सेकेंड्स लेफ्ट एंड कंप्लीट. 15/11 नहीं. अब मैं वापस आता हूं अपने क्वेश्चन पे. देखना प्लीज, आपके पास हुआ क्या, यू हैव नथिंग बट एन, यू हैव नथिंग बट 3n, यहां पे क्या है 9n. सो 9n इज इक्वल टू समथिंग प्लस 4n गया.
9n इज इक्वल टू समथिंग प्लस 4n, सो वी कैन से 5n इज इक्वल टू समथिंग। ये समथिंग है क्या? दिस समथिंग इज नथिंग बट अगर आप फर्स्ट टर्म में 9 मल्टीप्लाई कर दो तो, अगर आप फर्स्ट टर्म में 9, दैट वाज अ वैल्यू, राजा उसका वैल्यू फाइंड करता था सर, फर्स्ट टर्म में अगर आप 9 मल्टीप्लाई कर दो तो, सो वी कैन से अगर मैं इसमें 9 मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट आपका यही है तो ये 3 बच रहा है, तो n इज नथिंग बट 3/5, इतना ही है। दिस एफ जी पी को भी मैं बोलूंगा क्या n, मैं बोलूंगा n, देन मैं करूंगा क्या, आई राइट 4n, देन मैं क्या करूंगा 16n, मैं करूंगा 16n, सो वी कैन से 16n इज समथिंग प्लस समेशन ऑफ बोथ इज नथिंग बट 5n, एंड 16n है क्या, अगर आप इसमें 16 मल्टीप्लाई कर दो तो, यू कैन सॉल्व विद द स्टेप वाइज प्रोसेस, दिस वन इज नथिंग बट वट 1, सो वी कैन से फ्रॉम हियर 11n इज नथिंग बट 1, n इज नथिंग बट 1/11, एंड दिस वन इज माई आंसर। सो दिस वन इज अ शॉर्टकट, बट कॉन्सेप्ट आप ऊपर देख चुके हो, 1/11 नॉट द 12, n प्लस 4n को यहां पे दिखेगा, एंड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज क्रिएट अ हेड एफ जी पी फॉर द पी जी डी बी ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जस्ट लाइक अ टेरर सीरीज, टेलर सीरीज की तरह FGP बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, कैट में ये आना चाहिए, सैड चांसेस कम है, बट अगर वो पूछता है तो पूछ सकता है, आई होप इट इज ओके। सो कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, यू नीड टू वर्क ऑन n, देन 4n को हल्का सा शिफ्ट करेंगे, देन 6n को हल्का सा और शिफ्ट करेंगे, सो विल गेट नथिंग बट 16 इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म, इसमें 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 5n, एंड गेट द आंसर, हार्डली यही है, तो आई होप ये क्लियर है, तो बाकी आगे मैं देखता रहता हूं, तो कीजिएगा, एंड मैं ट्राई कर, FB पे लोग क्यों आते हैं द सेम, क्योंकि आप लोग FB पे एक्टिव हो, बट मुझको FB पसंद नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया पांडे जी, मुझको FB पसंद नहीं है, तो अगर मैं आगे से जो लाइव आऊंगा, आई विल कम ऑन माय ओन साइट, मतलब ऐप, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं जूम ऐप, सो दैट यू कैन एंजॉय द मोर, आई कैन एंजॉय द मोर, मुझको कोई मतलब नहीं है आप एंजॉय करो या नहीं करो, फॉर मी द लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोग इंट्रैक्टिव नहीं होते हो और बहुत ज्यादा लैग है। चलिए, तो अगर अगला आना होगा तो प्लीज, जस्ट मेरा एक सजेशन है, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जनरली वी ट्राई, जस्ट सर्च zoom.us, इस वेबसाइट पे जाओ और ऐप डाउनलोड कर दो, अगर आप मोबाइल पे हो तो, अगर मोबाइल पे नहीं हो तो डेस्कटॉप का ऐप डाउनलोड कर दो, बिकॉज हम लोग आएंगे जूम पे ही लाइव। टेरर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरर सीरीज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सीरीज, FGPs अगेन, एंड द यूलर्स इज द बहुत सारा लॉग टेरर जो भी है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं आराम से, कोई डाउट होगा तो आप मुझको टैग कर देना, जूम डॉट, इसको डाउनलोड कर दो आप, www.zoom.us, ये ऐप में थोड़ा सा मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं, मुझको ना यूट्यूब पसंद है, ना फेसबुक पसंद है, ना वेबनार पसंद है, FB पे लैग बहुत ज्यादा होता है अजीत, बट वो ठीक है, चलिए बाय बाय।